नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है GGD प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का अभिनंदन। कल जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी काल की, और उस क्लास के नीचे एक दो कमेंट थे कि सर आपने अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों में ही रहा है बता दिया है ना। यही हुआ था, मतलब दोनों में ही अपन ने क्या बता दिया था, रहा है। जैसे जब मैं आपको अपूर्ण भूत करवा रहा था तब भी मैंने ये करवा दिया, और वर्तमान आया तब भी ये करवा दिया। ये बाय मिस्टेक हुआ था। तो जो अपूर्ण भूत है आप जानते हैं वहां रहा था होगा, और जो वर्तमान है ये भूतकाल में था होता है, और वर्तमान में जो होता है वो क्या होता है होता है। तो ये बाय मिस्टेक हुआ था, और बढ़िया चीज है। आप अगर इस टाइप की कोई अगर मिस्टेक रह जाए तो बेझिझक होकर कमेंट करके बताएंगे सर आपने ये बता दिया, इसका सॉल्यूशन करें, ताकि नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उस क्लास में जो है उसको जो है क्लियरिफाई कर दे, क्योंकि इससे हमारे भी ध्यान में आ जाता है कि बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, कई बार ध्यान चूक जाता है थोड़ा सा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। भूतकाल होता है तो वहां रहा था होता है, और वर्तमान काल में रहा है हो जाता है। आज की क्लास जो है रहेगी हमारी कारक। ये एक ऐसा टॉपिक है, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो गड़बड़ कर देता है। सर आज तक हुआ नहीं, हम लगभग कर देते हैं इसको सही, ये होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने अपने चैनल पर NDC क्लासेस पर जब मैंने स्टार्टिंग पढ़ाने स्टार्ट किया था, तब मैंने एक टॉपिक को 8 से 9 क्लास में करवाया था, और कई बच्चे तो बोर हो गए थे क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा गहराई में ले जा के करवाया। फिर बाद में ये लगा कि नहीं, इससे तो क्या है, सिर्फ विद्वान बन सकते हो, सिलेक्शन वाला नहीं होगा। तो आज मैं आपको कितना ट्रिक से पूरा कारक समझाता हूं, जैसे कि आपको हमने समझाया था कौन सा वाच्य समझाया था और काल समझाया था। ठीक है, तो देखिए कारक, कारक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला है ना। कारक शब्द का अगर वैसे अर्थ लेते हैं तो करने वाला ही होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कर्ता कारक जहां आता है, कर्ता का अर्थ लेते हैं हम, क्रीधंत्री से बनता है, क्रीधंत्री से यानी करने वाला। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। बिल्कुल, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, लेकिन व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। क्या है, पारिभाषिक शब्द है, तो इसका अर्थ हम करने वाला नहीं लेंगे, बल्कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य पद होते हैं, विशेषकर क्रिया, बस ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, यूं समझ लीजिए। बस आपको जो संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में है, संज्ञा या सर्वनाम, उन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से किस प्रकार का है, क्रिया से उनका संबंध किस प्रकार का है, ये चीज जो दर्शाएगा ना वही कारक होगा। ठीक है, क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति को समझते हैं अभी, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, चिंता मत करो। और देखो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा कि ये पेपर में इस तरीके से आएगा और आपको इस तरीके से उत्तर निकालना है, विद्वान बनना नहीं है, सिलेक्शन लेकर रहना है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो एक चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, और प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। बिल्कुल सबका अलग अलग अपना अपना विभक्ति चिन्ह है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। ये बहुत सामान्य सी बात लिख दी। कहने का मतलब कर्ता के साथ ने इसका विभक्ति चिन्ह है, लेकिन इसके साथ आपको इस तरह का जीरो भी मिलेगा। कर्म के साथ आपको को मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको एक जीरो भी मिलेगा। करण के साथ से द्वारा मिलेगा, लेकिन साथ में एक जीरो मिलेगा। तो ये विभक्ति चिन्ह तो होते हैं ने को से, ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये जो जीरो होते हैं, जो जीरो टाइप में होते हैं, शून्य जिसे बोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एक तो ये होता है भाई, कारक टॉपिक जो है वो क्या मतलब लेता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। वो तो इनका ये मतलब लेते हैं कि भाई जैसे अगर हम जो ने विभक्ति चिन्ह है, जब हम भूतकाल में प्रयुक्त करते हैं तब आता है भाई सुरेश ने पाठ पढ़ा, तब तो क्या आएगा, ने विभक्ति आएगा। लेकिन जब आप भविष्य काल में पढ़ोगे, जैसे सुरेश जो है पढ़ेगा, तो अब आप क्या करोगे, अब विभक्ति चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब कई बार विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता है
तो इसलिए ये शून्य दर्शा के हमें ये बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये विभक्ति चिन्ह ही आए, चिन्ह भी आए, बल्कि कई बार बिना चिन्ह भी होता है। अब क्या होता है, अब मैं इसका क्या अर्थ लेता हूं वो बताता हूं। मेरा मैंने इसका एक ये अर्थ निकाला कि जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ ने ही आए, इसके साथ अन्य विभक्ति चिन्ह भी आ सकते हैं और अपवाद स्वरूप ऐसा होता भी है। ये चीज मैंने ली और मैं इस पर एकदम खरा भी उतरता हूं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये विभक्ति चिन्ह होते हैं, लेकिन शून्य कह रहा है कि इनके साथ और भी विभक्ति चिन्ह आ सकते हैं। हिंदी में आठ कारक होते हैं, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम यहां पर जो पढ़ेंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सात है। संबोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह से ही पहचान लेते हैं। तो ये सात कारक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक ने। कर्ता कारक ने विभक्ति आती है, आप सब जानते हैं, लेकिन क्या कर्ता के साथ ने ही आती है? क्या कर्ता के साथ से नहीं आता? क्या कर्ता के साथ द्वारा नहीं आता? क्या कर्ता के साथ को नहीं आता? भाई ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि कर्ता के साथ केवल से, द्वारा, को ने आता है या ये विभक्तियां भी आती है। तो चेक करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को, क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने हैं। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता के साथ केवल भूतकालीन क्रियाओं में होने पर ही होता है। वर्तमान और भविष्य काल की जब बात होगी तो क्रिया आक्रमक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या होगा? तब विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। चलो इन परिभाषाओं में मत उलझो, मैं बहुत सीधा तरीका बता दूं। आप तो क्रिया जो होती है वाक्य में, उस क्रिया से एक चीज पूछ लेना। क्रिया ने कहा, जैसे एक वाक्य ले लिया, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, आप तो इस क्रिया से पूछते हो कौन पढ़ता है। क्रिया अपने आप कह देगी ये पढ़ता है, और जो पढ़ता है वही क्या होता है? कर्ता होता है। यानी आप तो क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न पूछ लेना, क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न पूछ लेना, उत्तर निकल के आ जाएगा। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? अभिषेक। कौन हंसती है? गुंजन। किसने? भाई कौन का? हमने सर्वनाम पढ़े हैं, तो जब विभक्ति लगाएंगे कौन ने, कौन ने को तो हम कैसे पढ़े? किसने, क्योंकि भूतकालीन है ना, इसलिए किसने लिखा? आलोक ने। तो ये देखिए, ये गुंजन, ये करता, आलोक करता। वह कुछ नहीं बोला, किसने किसने नहीं बोला? वह कुछ नहीं बोला। कौन नहीं बोला? वह नहीं बोला। उसके द्वारा, ये लीजिए, अब कर्ता के साथ क्या आ गया? द्वारा आ गया। तो अब हम गलती से, अगर हमें समझ नहीं आया हुआ कारक, हमने कोई बचपन में चौथी पांचवी क्लास में कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ रखा है, तो हम इसे करण कारक कर आएंगे। क्यों करके आ जाएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद सोचा, अरे यार वो तो सरल टॉपिक है। सरल नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अब आप देखो, उसके द्वारा पत्थर फेंके गए तो भी उलझना नहीं है। मेरा वाला तरीका, किसने पत्थर फेंके या किसके द्वारा फेंके, वो जो विभक्ति होती है वो लगा लो। किसके द्वारा पत्थर फेंके या सीधा पत्थर फेंकने का काम किसने किया? तो बोला उसके, ये लो साहब, ये करता है। वर्षा गाना गाती है, कौन गाना गाती है? वर्षा। नौकर काम पर भेजा जाएगा, कौन भेजा जाएगा? नौकर। राम को दिल्ली जाना है, किसको दिल्ली जाना है? राम को। ये देख लीजिए, को विभक्ति, इसकी कौन सी विभक्ति? तो कर्ता के साथ ने तो आता ही है, कर्ता के साथ से भी आता है, है ना? जैसे मोहन से दौड़ा नहीं जाएगा। अब ये क्या है? ये से आया है, लेकिन है तो ये करता ही, मोहन द्वारा ये काम नहीं होगा, तो ये भी क्या है? करता है। तो कर्ता के साथ जरूरी नहीं है कि केवल ने ही विभक्ति में आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको और वाक्य बताता हूं, ये लिख दिया राम को दिल्ली जाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक वाक्य और लिख दिया, उनको पढ़ना चाहिए। अब देखो, फिर से देखो, अब यहां पे क्या है? उनके साथ को आया है। अब जरूर थोड़ी है ने ही आएगा, जो ने को पकड़ के बैठते हैं उनके लिए है ये चीज, ठीक है। जैसे मान लो बुढ़िया से अब चला नहीं जाता। आप जानते हैं जब भी कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाया जाएगा, कर्मवाच्य या भाववाच्य का जब भी वाक्य आएगा,
तो सीधी सी बात है कि वहां पर कर्ता के साथ में से या द्वारा आएगा। ये हम वाच्य में पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए कि अगर कर्मवाच्य या भाववाच्य का वाक्य आ गया तो इसका मतलब वहां कर्ता के साथ ने नहीं आएगा। केवल पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा कि कर्ता के साथ ने ही आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्ता कार्य। आप तो क्रिया से पूछ लो कि कौन ने काम किया, किसने काम किया, ये क्रिया खुद उत्तर देगी कि भाई मुझे करने वाला वो है। बस जैसे बुढ़िया से अब चला नहीं जाता, ये चला नहीं जाने का काम कौन कर रहा है, ये बुढ़िया कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे कर्ता कौन है, बुढ़िया है। तो बस इस तरीके से आप कर्ता कारक निकाल सकते हैं। बात करते हैं कर्म कारक की। सबसे पहले परिभाषा पढ़ने से पहले कर्म कारक क्या है। कर्म कारक में आपको ये चीज समझनी होगी कि आपने क्रिया पढ़ी है सकर्मक और अकर्मक। आपने क्रिया वाक्य में खोजी और क्रिया खोजने पर क्रिया को करने वाला मिला तो ठीक है, बीच में क्या लगा के प्रश्न किया, जो उत्तर में निकल के आया वही कर्म होता है, वही तरीका बेस्ट है। कर्म कारक को अगर ढूंढना है तो सकर्मक क्रिया में आप सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हो, वही तरीका इसमें अपनाओगे। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो उत्तर में निकल के आएगा वो कर्म होगा। आप देखिए वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को लगा होगा, और अगर निर्जीव हो तो कर्म निर्जीव कर्म कारक के साथ को चिन्ह नहीं लगता है। तो इसको मतलब ही नहीं है, इतना उलझना ही नहीं है भाई। ये देखो राम ने रावण को मारा तो ये सजीव है ना, तो इसके साथ को आएगा ही आएगा, ये हमें पहले से ही पता है। क्योंकि जो प्राणीवाचक कर्म होता है प्राणीवाचक कर्म के साथ को विभक्ति आती है। मोहन ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहां पे इस तरह से समझ गया बात, ठीक है। अब देखिए राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो अब ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो राजा ने क्या दिया तो उत्तर निकल के आया धन, इसका मतलब वाक्य में मुख्य कर्म क्या है, ये है। बस सकर्मक क्रिया वाला उदाहरण, मैं गाय दूहता हूं, मैं क्या दूहता हूं, गाय, ये कर्म निकल के आ गया। नंदू दूध पीता है, क्या पीता है, दूध पीता है। अहल्या ने यह करता है गंगाधर को दीवान बनाया, है ना, गंगाधर को क्या बनाया। अब देखो अहिल्या ने गंगाधर को दीवान को बनाया। अब देखो आप अगर इसका प्रश्न बनाओगे बनाना, और बनाने का काम अहिल्या ने, अहिल्या ने क्या बनाया, अब उत्तर क्या आएगा, गंगाधर को आएगा या दीवान को आएगा, बस ये बता दो आप। अब ये बताओ आप इसमें उत्तर क्या आएगा, ये जिसने बता दिया सही। अब गलती दीवान बनाना, देखो अगर गंगाधर को अध्यापक बनाया आ जाता तो क्या अध्यापक कर्म थोड़ी होगा, नहीं, यहां पर ये सजीव कर्म है, बस ये सजीव कर्म है। ये जैसे देखो दर्शन, जैसे है दर्शन, अब दर्शन से हमें क्रिया बनानी है तो दर्शन आना थोड़ी होगा, बल्कि दर्शन देना, प्रभु ने हमें दर्शन दिया। तो अब मान लो ऐसे वाक्य आए प्रभु ने दर्शन दिया, ठीक है, तो आप इसको यूं करो प्रभु ने क्या दिया, दर्शन दिया, नहीं सेट नहीं बैठेगा, को लगा के चेक कर लो, दर्शन को दिया सेट नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी क्रिया होती है दर्शन, तो दीवान बनाया ये अपने आप में पूरी क्रिया हो गई, है ना, समझ गए बात। अब इस तरह के उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, अभी और भी उदाहरण आएंगे, विवाद तो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अपवादों का घर हिंदी है। अभी हमें यहां और चीज समझनी है, पहले इतना समझ लीजिए कि कर्म कारक को पहचानना है, फालतू दीवान पे जोर मत देना, अभी मैं ऐसे उदाहरण और बता दूंगा। आपको एक ही चीज समझनी है यहां पर, जैसे कर्ता कारक में हमने कौन लगा के प्रश्न किया तो अपने आप क्रिया बताएगी कि भाई मुझे करने वाला वो व्यक्ति है। इसमें आपको क्रिया और करने वाला के बीच में क्या लगा के प्रश्न करना है, जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, कर्म होगा, समझ गए। कर्म हमेशा जो है वो क्रिया के नजदीक रहता है, अगर वाक्य में है तो वो क्रिया के नजदीक होगा। अब बात आती है कि कर्म कारक के साथ में भी क्या कई बार अदर चिन्ह आते हैं या नहीं आते हैं, तो इस पर हम वाक्य करेंगे। तो सबसे पहले तो है आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंने सारी बात गुरुजी से कह दी। ये देखिए अब इस वाक्य में मैं आपको बता दूं कि कर्म के साथ से भी आता है। कैसे, मैंने सारी बात
गुरु जी, अब यहां भाव क्या निकल रहा है? यहां भाव निकल रहा है गुरु जी को कह दी, लेकिन यहां को नहीं आएगा, बल्कि आप जब वाक्य शुद्धि करते हैं तब आपने एक हमेशा पढ़ा होगा, कई बार पेपर में आता है कि शिष्य ने अध्यापक को प्रश्न पूछा, इस प्रकार कहेगा, शुद्धि संशोधन आता होगा। तो सबसे पहले तो ये गलती होती है, यहां पे क्या होता है, प्रश्न किया होता है, प्रश्न हमेशा किया जाता है, पूछा नहीं जाता। दूसरा, वो अध्यापक से होगा, वहां क्या होगा, अध्यापक से होगा, समझ गए बात आप। तो शिष्य ने अध्यापक से प्रश्न किया, तो ये जो से आता है, शिष्य ने अध्यापक से प्रश्न किया, या शिष्य ने अध्यापक से कहा, या माता ने पुत्र से कहा, पुत्र ने पिता से कहा, तो पिता को कहा नहीं होगा, माता को कहा नहीं होगा। तो ये ऐसे वाक्य जब आएंगे तब वहां पे से भी आएगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? पता एक ही तरीके से चलेगा कि आपको वाक्य का भाव समझना होगा, और पता ऐसे चलेगा कि आपको लगातार इस तरह के जो हैं वो, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज इसीलिए स्टार्ट की जाती है ताकि एक्सरसाइज बराबर होती रहे, क्योंकि कुछ चीजें यहां समझाएंगे तो भी एक प्रश्न का निर्माण करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि इस तरह का प्रश्न आए तो इस तरह से उत्तर दिया जाता है, और या फिर होती है टेस्ट सीरीज एक्सरसाइज के लिए, है ना। तो अभी हमारे पास खूब समय है, विज्ञप्ति आई भी है, तब तक हम कोर्स करके और बढ़िया टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ स्टार्ट करेंगे तब बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, है ना, समझ गए बात आप। तो शिष्य ने अध्यापक से प्रश्न किया, मैंने सारी बात गुरुजी से कह दी, तो कई बार यहां पर से भी आता है, है ना। मैंने बालक को कपड़े पहनाए, अगर इस वाक्य में पूछा जाए तो गौण कर्म होगा, ठीक है। बस ये बस इतना ही ध्यान रखो, कर्म कारक में इससे टफ नहीं आता, यही सबसे टफ वाक्य होते हैं, है ना। जैसे मां ने पुत्र से कहा, अब इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा कारक है तो आप कर्म बताना। और दूसरी बात, एक मुझे एक बात बताओ, जो लोग इसे करण करके आएंगे वो एक बात सोच के देखो, क्या ये पुत्र साधन है क्या यहां पर? नहीं है ना, तो फिर आप करण क्यों करते हो? क्या यहां पर पुत्र से कहा तो कोई अलगाव, मतलब अलग होने का भाव हुआ? बोला नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों करके आओगे अपादान या फिर करण? तो भाव भी कारक में समझना जरूरी होता है। अब बात करते हैं करण कारक की। करण कारक में से आता है, के द्वारा आता है, केवल द्वारा आता है, के माध्यम से आता है, इसके साथ के साथ आता है, है ना, के साथ आता है, के सहारे आता है, के सहारे आता है, के साथ, के सहारे, तो इस टाइप के और भी शब्द जो हैं वो आते हैं। वाक्य में कर्ता जिस साधन, अब देखो मैंने अभी बताया ना साधन होना, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भाव रहेगा वो साधन वाला भाव रहेगा। साधन या माध्यम से क्रिया करता है, क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, तो सब यहां जो क्रिया हो रही है उस क्रिया होने के पीछे साधन क्या है, उस क्रिया होने का साधन क्या है। मैं पेन से लिखता हूं, लिखने का साधन क्या है, पेन। प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो प्रतिष्ठा बढ़ने का साधन क्या है, धन। अब कई बार क्या होता है, अब देखो यहां पर करण कारक स्टार्टिंग में आया, कुछ लोग इसे कर्ता कह देते हैं, नहीं जरूरी थोड़ी आगे आ गया तो कर्ता हो गया, ऐसा भी नहीं होता। धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है, मैंने कहा ना, आप क्रिया से पूछो बता तेरा साधन क्या है, वो खुद बता देगी। जैसे वो खड़ा है, खड़ा होने का साधन क्या है, के सहारे, पेड़ के सहारे। साधन क्या है, पेड़ के सहारे लेकर खड़ा है, तो खड़ा होने का साधन पेड़ है, अगर पेड़ नहीं होता तो खड़ा नहीं हो पाता। आपके दर्शन से लाभ हुआ, तो लाभ होने का साधन क्या, दर्शन। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनने का साधन क्या, ध्यान से। बात को कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है, है ना, बात समझ आ गई। आपके दर्शन से लाभ हुआ, जैसे अब के साथ का बताता हूं, वह गुड़ के साथ रोटी खाता है, तो अब यहां पे जो रोटी खाने का साधन है वो क्या है, गुड़ के साथ खाता है, तो ये गुड़ के साथ ये क्या हो गया, ये हो गया आपके करण कारक हो गया, क्या हो गया, करण कारक हो गया। क्या इतना ही है क्या, के साथ वगैरह, क्या इतना ही है क्या, नहीं इतना नहीं है। इसके साथ में देखो आप, में इसके साथ में आप में और पर भी कई बार जो है वो करण कारक में आते हैं, और कैसे आते हैं, जैसे एक तीर में
काम तमाम हो गया, एक तीर में काम तमाम हो गया। अरे यार इसका तो एक तीर में ही काम तमाम हो गया। मुझे बताओ ये जो मैं आपने देखा तो दिमाग अधिकरण की ओर दौड़ा, तो अधिकरण में क्या होता है, स्थान, क्रिया होने के स्थान का पता चलता है। इस वाक्य में तमाम हो जाना क्रिया है, इसके स्थान का पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एक तीर में, यानी ये साधन है, काम तमाम होने का साधन, एक ही तीर में काम तमाम हो गया। बोलने में क्या भाव आया? मैं आया, विभक्ति क्या आई? मैं। लेकिन इसके पीछे कारक कौन सा है? करण कारक है। क्यों? क्योंकि यहां साधन के रूप में है। जैसे एक वाक्य और, क्रोध, क्रोध में शरीर छीजता है, क्रोध में शरीर छीजता है। अब यहां पे शरीर छीजने का कारण क्या है? साधन क्या है? साधन है क्रोध। तो यहां पे आया क्या? मैं। लेकिन फिर भी यहां पर जो है वो कारक कौन सा है? करण कारक है। फिर भी यहां कारक कौन सा है? करण कारक है। एक तीर में काम तमाम हो गया, यहां कारक कौन? ये अपवाद है, ये क्या है? अपवाद है। इसीलिए अपवादों को वो जो शून्य आता है ना, मैंने यही सोच के रखा, मैंने कहा हां हर कारक में जो है एक उसका मुख्य विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप दूसरे विभक्ति चिन्ह भी कई बार आते हैं। जैसे करण कारक में वह शिष्य ने गुरुजी से प्रश्न किया, तो अब से भी आ गया। तो आपको पकड़ के नहीं बैठना है कि करण कारक तो से द्वारा आता है, बस मैं तो ये कर दूंगा है। ये गलत फहमी में निकाल देना। पेपर अगर टफ बनता है ना, जैसे पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर टफ बना था, तो उस वक्त इस टाइप के उदाहरण मिलेंगे और फिर गलत करके आ जाओगे। ठीक है, जैसे एक और बताता हूं, पर वाला बताता हूं। मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया। तो अब यहां पे देखो ये क्या है, पर, मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया। जैसे ही मैं बोला मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया, भाव क्या है? मेरे बोलने से वह प्रसन्न हो गया। अब इससे आपकी वाक्य शुद्धि भी सुधर रही है कि अच्छा इस टाइप के वाक्य आए तो हमें, और गहनता से ध्यान पूरे एकाग्रता से क्लास को देखना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके अशुद्धि संशोधन में काम आएगी। जब विभक्ति संबंधी अशुद्धि होती है ना, तो हम लोगों के पकड़ में नहीं आती है। इसके पीछे रीजन ही यही है कि हम लोग इस विभक्तियों को ध्यान नहीं देते हैं। मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया, ना कि मेरे बोलने से वह प्रसन्न हो गया। समझ गए बात आप? तो यहां प्रसन्न हो जाने का कारण क्या है कि वो बोला, जैसे ही वो बोला तो बोलने पर वो क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। तो मेरे बोलने पर वह प्रसन्न हो गया, क्रोध में शरीर छीजता है, एक तीर में काम तमाम हो गया, है ना। जैसे एक उदाहरण और बताऊं मैं, अगर आपको बताऊं तो मैं तेरी राह का पत्थर, नहीं वो इसका नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, पेन से लिखता है, धन ये सारा हो गया, द्वारा वगैरह हो गया। ठीक है, अब मान लो इस प्रकार का जब वो उदाहरण देता है ना, जैसे द्वारा का एक भी उदाहरण नहीं है, मैं लिख लेता हूँ ही। जैसे मान लो इस तरह वो देगा, मेरे द्वारा सारा काम किया गया। ठीक है, फिर कहेगा चाकू द्वारा फल काटा गया, फिर कहेगा धन से सबकी विजय होती है, और फिर लास्ट में क्या दे देगा, चाकू द्वारा फल काटा गया, मेरे धन से सबकी विजय होती है, और एक दे दिया फिर दे देगा मान लो जैसे 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 धन से, और यहां दे देगा पेन से पत्र लिखा गया। अब वो क्या पूछेगा, ये दो से दे दिए, दो द्वारा दे दिए, और फिर पूछेगा निम्न में से किसमें करण कारक नहीं है। तो उस वक्त हम सोचेंगे यहां द्वारा है, यहां द्वारा, यहां से है, यहां से है, लेकिन होगा क्या, हमें ये भाव देखना पड़ेगा। मैंने खैर आधे वाक्य लिखे हैं बोल बोल के, तो यहां पे चाकू द्वारा फल, तो चाकू यहां साधन होगा, धन से सबकी विजय होती है, धन साधन है, पेन से पत्र लिखा, पेन साधन, लेकिन मेरे द्वारा यह काम किया गया यहां पर करता है, मेरे द्वारा क्या हो जाएगा, करता होगा। तो वो जो ऑप्शन देते हैं ना, तो इतने सिमिलर देंगे ऑप्शन आपको कि आपको लगेगा दो से दे दिए, दो द्वारा दे दिए, अब बताओ कौन सा होगा, तो पकड़ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने इसकी रिवीजन नहीं होती। अब ये जो, अब जो नोट्स जो बनाते हैं, जो नोट्स बना रखे हैं, अब मैं बताऊं आपको, आप हाथ से नोट्स बनाते हो, बनाने भी चाहिए, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखो सर के कहने पे नोट्स जो हैं, हमें पता है कि आगे भी कॉपी पेस्ट होते रहते हैं, फिर भी आप लोगों तक नोट्स पहुंचाने के पीछे सीधा सीधा एक रीजन है कि इस बार जो है वो सिलेक्शन की जो है एक रिकॉर्ड कायम हो, सिलेक्शंस का जो है वो रिकॉर्ड कायम हो। इसीलिए जो टेस्ट सीरीज है उसमें शेड्यूल भी अपलोड कर दिया है,
एकदम डेट सहित जो आपके हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है उस पर जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो भी अपलोड कर दिया है और नोट्स वहां पर सारे के सारे, ये सारे नोट्स लिखे हुए पड़े हैं एज इट इज। आपको काम है कि बराबर उसी नोट्स के आसपास ज्यादा से ज्यादा वाक्य लिखें, और सबसे खास बात क्या है कि जब पेपर हो तो उसी का रिवीजन करें और उन टेस्ट को बराबर देने का प्रयास करें। अभी से ही उन टेस्ट को अब स्टार्ट होने वाले हैं, आप टेस्ट जल्दी से जल्दी जो है वो ज्वाइन करें और अपना शेड्यूल प्रिंट आउट निकालें और देखें कि हाँ आज इसकी तैयारी करनी है, जबरदस्त तैयारी करनी है, जो भी प्रश्न नहीं आए आप तुरंत बताओगे। और फिर जब हम वस्तुनिष्ठ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे यहाँ यूट्यूब पर, है ना, तब उस उनमें से कुछ प्रश्न लेंगे, बाकी यहाँ वाले और टेस्ट सीरीज वाले प्रश्न भी अलग अलग होंगे, कुछ प्रश्न यहाँ लेंगे उनमें से जो आपको कठिन लगेंगे, जो आपको आएंगे नहीं, तो आपको मूल्यांकन अपना साथ साथ करते हुए भी रहना है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात आप। यहां पर भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, के साथ के सहारे भी आ सकता है, किसमें, करण कारक में। फिर बात करते हैं संप्रदान कारक, किसकी बात करते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक व्यक्ति है के लिए, को के वास्ते, है ना, के लिए को के वास्ते, ये संप्रदान। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि केवल और केवल जो है वो के लिए विभक्ति चिन्ह ही आए, ऐसा भी नहीं है। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तो देने का अर्थ प्रयुक्त हो, वहां सिर्फ को विभक्ति आती है। भाई को और के लिए जो आते हैं दोनों, तो इसके लिए है कि भाई के लिए कहाँ आता है और को कहाँ आता है इसके बारे में बताया गया। जैसे सबसे पहले आलोक माँ के लिए दवाई लाया, माँ के लिए दवाई, तो ये द्विकर्मी वाक्य है। इसमें आलोक क्या लाया, तो दवाई लाया, ये है कर्म, ये क्या है, कर्म, क्योंकि जो उत्तर में आया वो कर्म। और ये जो के लिए लगा ये क्या है, ये संप्रदान है, ये संप्रदान। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, कविता को पुस्तक दी, क्या दी, उत्तर आया पुस्तक, तो पुस्तक तो है कर्म और कविता को ये क्या है, संप्रदान है। ठीक है, द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि द्विकर्मक द्विक्रिया, क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मी है। ठीक है, अब देखो भिखारी को भीख दो, जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं भिखारी को भीख दो, यहां को शब्द के लिए के अर्थ में आया है, यहां को शब्द के लिए के अर्थ में, ये थोड़ी सी लाइन खराब हो रही है यहां, इसको छोड़ो, भिखारी को भीख दी, तो यहां पर ये जो को आया है ना ये के लिए के अर्थ में आया है, किसके अर्थ में आया, के लिए, भिखारी के लिए भीख दो। अब कुछ लोग कहें सर जब है ना देने का भाव हो तो वहां पे जो है हमने पढ़ा है कि जब दान देने का भाव हो तो वो क्रिया में चलता है, वो रूल क्रिया में चलता है कि जब देने का भाव हो कोई चीज स्थायी रूप से दे दी जाए तो द्विकर्मक होते हुए भी एक कर्मक मानी जाती है, वो सारी चीजें क्रिया में चलती है, यहां नहीं चलेगी। यहां भिखारी को इसमें संप्रदान कारक है, राम गोविंद को अपना भाई मानता है, गोविंद को यहां ये क्या है, संप्रदान कारक है। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, तो सुनने के लिए मतलब क्या हुआ, सुनने के लिए। लड़के शेर को गए, मतलब शेर के लिए गए, मतलब घूमने के लिए गए। लड़का विद्वान होने के को पढ़ता है, विद्वान होने के लिए। तो आपको सबसे बड़ी बात यहां देखनी है कि जो को होगा ना उसके भाव में हमेशा के लिए ही आएगा, उसका जो भाव होगा वहां हमेशा के लिए ही आएगा, इस बात को दिमाग में रखना। ये वाक्य आप कभी गलत नहीं करते हो, गलती कहां होती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे वह धन के वास्ते जो है, धन के वास्ते मनुष्य भटकता है तो धन के लिए भटकता रहता है ना, के वास्ते है ना, जैसे धन के लिए मनुष्य भटकता फिरता है तो धन मतलब के लिए। ठीक है, अब देखो गलती कहां होती है, गलती यहां होती है, ये देखना आप गलती कहां होती है आपसे, चार पैसों पर ईमान खो दिया, चार पैसों पर ईमान खो दिया। अब यहां चिन्ह कौन सा है मुझे बताओ, पर, यहां चिन्ह कौन सा है, पर, अपवाद स्वरूप बता रहा हूं साथ साथ में, चार पैसों पर तूने ईमान खो दिया, इसके पीछे भाव क्या है। आपको जब भी इस प्रकार का वाक्य देखो जल्दबाजी मत कर देना चिन्ह देखकर, मैं ये अपवाद क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि आप जब भी वाक्य में ऑप्शन देखोगे भाई अपादान कारक किसमें है या अधिकरण कारक किसमें है, तो चिन्ह देखकर जल्दबाजी मत करना बल्कि क्रिया देखना। क्रिया क्या, खो दिया, खोने का स्थान पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा। स्थान जब पता चलेगा, आंगन में, बाहर, भीतर, आगे पीछे, वो स्थान होते हैं, यहां स्थान नहीं। इसके पीछे भाव है कि तुमने चार पैसों के लिए अपना ईमान खो दिया है ना। चार पैसों के लिए अपना ईमान खो देते हैं लोग, और खो ही देते हैं। अक्सर हम देख ही रहे हैं पिछली वैकेंसियों में, लगातार देख रहे हैं कि चार पैसों के लिए ईमान खो देते हैं। कितने लोगों की मेहनत होती है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चार पैसों पर ईमान खो, तो यहां पर भाव क्या है, चार पैसों के लिए ईमान खो देना। ठीक है, अब देखना अगला, और देखना मोहन का भोजन कहां है। अब देखो मोहन का भोजन कहां है, यहां विभक्ति कौन सी है, का। अब का देखते ही दिमाग में आएगा संबंध कारक, नहीं, इसका भाव समझेंगे। मोहन का भोजन कहां है, इसका मतलब मोहन के लिए भोजन कहां है, मोहन के लिए भोजन कहां है। जिन लोगों के दिमाग में जहरीला ज्ञान भरा हुआ है कि ए फॉर एप्पल, अ से अनार, उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये विभक्तियों के साथ साथ चलना छोड़ दो। विभक्ति तो, विभक्ति आती है तब तो हर कोई पहचान लेगा, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तब गलतियां होगी। तो मोहन का भोजन कहां है, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन, अब देखो मोहन का भाई कहां है, तब तो यहां पर मोहन का भाई से संबंध है। अब इसको यूं नहीं कर सकते मोहन के लिए भाई कहां है, नहीं, लेकिन मोहन का भोजन कहां है, मतलब जो मोहन के लिए भोजन है वो कहां है। तो यहां पे अच्छा एक और बताता हूं, इस वाक्य में अगर आपसे पूछे कर्ता कौन है, तो आप देखो क्रिया क्या है, है, और होने का काम कौन कर रहा है, भोजन। इसमें भोजन करता है, इसमें भोजन करता है, समझ गए। और मोहन के लिए ये संप्रदान है, मोहन का भोजन का ये क्या है, संप्रदान है। आप जब तक व्याकरण के साथ खेलोगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। समझ नहीं आता है क्लास दोबारा देखो, अगर समझ नहीं आता क्लास दोबारा देखो। इसीलिए मैं कहता हूं आप नोट्स प्रिंट आउट निकलवा लो, क्या दिक्कत, ₹100 लगेंगे। लेकिन व्याकरण की जो क्लासेस, जो आपको गौरव सर ने जो यहां पर मुझे बुलाया है और हम दोनों ने स्टार्ट जो किया है, ठीक है, आज इसीलिए तो स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों तक जो है, जो चीज, जिस चीज के लिए 5,000-5,000 रुपए लोग देते हैं, वो चीज आपको निशुल्क मिले और उससे बेस्ट मिले। आपको ये भी लगेगा कि नहीं, केवल निशुल्क के फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही है, बल्कि वास्तव में निशुल्क में जो है वो कुछ दम है जो ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिलता है, वो दम यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, 100% तो मान लिया, हिंदी में भी नहीं होता, लेकिन 99% क्लासेस अगर आपको बेस्ट मिल रही है, क्योंकि 1% तो अपवादों का घर होता है, उसको टेंशन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि अपने विद्वान बनना ही नहीं है। मोहन का भोजन कहां है, तो मोहन के लिए भोजन कहां है, इस बात को आपको समझना होगा, है ना। जैसे और देखना, लोग दिन में दर्शन को जाते हैं, तो यहां पे दर्शन को जाते हैं, इसका क्या भाव लोगे, इसका भाव सीधा है, दर्शन के लिए जाते हैं, है ना, दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, अब मुझको पढ़ने जाना है। अब इस वाक्य में बहुत गजब चीज है, अब मुझको पढ़ने जाना है। अब आप जल्दबाजी में कर दो सर ये तो मुझ के लिए पढ़ने जाना है, ये ऐसा होगा या कैसे होगा, अब मुझको पढ़ने के लिए जाना, अब मुझे, मुझको तो शब्द ही गलत है, आप जानते हैं अच्छे से, मुझको तो शब्द ही गलत है, तो अब मुझे पढ़ने जाना है, मतलब क्या होगा, पढ़ने के लिए जाना है। अब विभक्ति नहीं है इस बार तो, है ना, अब मेरे लिए पढ़ने जाना है, ऐसा तो बैठेगा नहीं, आएगा तो ये मुझे अब जाना है, पढ़ने जाना है, मतलब पढ़ने। अब यहां पे भाव क्या रहा है, मुझे ये मुझको यहां गलत आता है, बल्कि अब मुझे पढ़ने को जाना है, मतलब पढ़ने के लिए जाना है, अब मुझे पढ़ने के लिए जाना है। तो अब आप इस चीज को भी समझें कि अब मुझे पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है। कई बार मतलब विभक्ति आती नहीं है, ना तो ये आएगी ना कोई और आएगी, पढ़ने के लिए जाना, अब मुझे जो है दौड़ने जाना है, अब मुझे घूमने जाना है। तो ये जो इस प्रकार से, तो घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, है ना, ये चीजों का भी ध्यान रखें। मैं भी दिन में दर्शन के लिए आता है, ये भी हो गया। मोहन का भोजन कहाँ है, है ना, मोहन के लिए, मोहन की मिठाई कहाँ है, मतलब मोहन के लिए मिठाई कहाँ है। अब मोहन की मिठाई कैसे होगी,
मोहन से बनी हुई मिठाई थोड़ी है, तो मोहन के लिए मिठाई कहाँ है। तो मेरे यहाँ बताने का विशेष रीजन यही है कि आप लोग जो हैं उलझे नहीं, केवल विभक्ति के चक्कर में उलझे नहीं, विभक्ति के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। दूसरा, आपको जैसे वाच्य में मैंने कहा था, अब फिर कहता हूं, जैसे ही मैं आपके कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे ही मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप सारे के सारे वाक्य सही कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है आपको किस तरीके से समझाना चाहिए था, जैसे आपके दिमाग में सेट हो जाए। अभी आप में से आधों को क्या लग रहा होगा, सर इस तरह से आ जाए, हम पहचान, खुद पे आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन कल जब मैं आपको 15 से 20 वाक्य की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आप कहोगे हाँ सर, अब कारक भी क्लियर है। जिस प्रकार वाच्य में आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर आज तक ये टॉपिक क्लियर नहीं था, अब हो गया, उसी प्रकार आप कहोगे सर कारक में इस बार हमने कुछ नया सीखा है, कारक में इस बार हमने कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ संप्रदान तक ही बात करेंगे, और कल की क्लास में जो है कल कारक पूरे करके और उसके बाद हम 20 वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए कल की क्लास में इंपॉर्टेंट होगी। मैं फिर बता देता हूं, हिंदी पॉइंट पर जो है हिंदी व्याकरण की जो है टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दी, उसका जो शेड्यूल है कि लगभग 35 टेस्ट का शेड्यूल है, वो भी आपको मैंने वहां अपलोड कर दिया है हिंदी पॉइंट पर, आप जाके देखेंगे, है ना, हिंदी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करना है। और साथ में मैंने पूरी व्याकरण के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, इसके अलावा भी, हालांकि जैसे कुछ नोट्स और तैयार हो रहे हैं अपडेट करके, वो नोट्स भी आपको जो हैं इस पर मिल जाएंगे। ये अभी इसका मूल्य वही है जो अपने GCD पर GK की टेस्ट सीरीज चलती है, उनका जो एक बहुत नाम मात्र चार्ज रखा है, उसी नाम मात्र चार्ज में स्टार्ट कर रखी है। लेकिन जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, स्पेशल रूप से वो ये टेस्ट सीरीज ना लेवें, उनके लिए एक साहित्य की टेस्ट सीरीज अलग से है, उसके साथ उनको व्याकरण जो है वो पूरी मिल जाएगी। तो आप डबल पैसे खर्च ना करें, नंबर एक बार। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये SI के लिए कही, बिल्कुल ये विशेष रूप से टेस्ट सीरीज SI के लिए ही है, क्योंकि SI में साफ संपूर्ण व्याकरण आ जाती है, पूरी व्याकरण आ जाती है SI में। तो SI की व्याकरण जिसने पढ़ ली, वो ऑब्वियसली सेकंड ग्रेड की व्याकरण जो है वो आराम से कर लेगा, फर्स्ट ग्रेड वाली कर लेगा, LDC कर लेगा। तो SI के लिए विशेष रूप से बढ़िया टेस्ट सीरीज है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ में विस्तृत टेस्ट भी है, 3-4 टॉपिक का होगा, फिर एक विस्तृत बड़ा टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। तो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, इसको आप जितना जल्दी ले, क्योंकि इसका जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी, इसका मूल्य इससे 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, फिर आप जो है नुकसान में ही रहोगे। मैं इसीलिए आपको बार बार, ऑफर कुछ नहीं है, बाद में कोई ऑफर नहीं है, ये अभी जो चल रहा है यही ऑफर है, विज्ञप्ति तक ये ऑफर ही चलता है, विज्ञप्ति के बाद मूल्य बढ़ जाता है, उसके बाद चाहे कुछ भी हो फिर मूल्य कम नहीं होता। इसलिए आप समय रहते, और जो चार्ज है वो भी नाम मात्र है, उस चार्ज में तो आपको नोट्स भी दे दिए, ये मैंने जो एक प्रयास किया है कि नोट्स भी बच्चों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर हम पढ़े किस किताब से, क्या पढ़ें, तो अब एक किताब सजेस्ट कर नहीं सकते, इसीलिए नोट्स तैयार करके आप तक पहुंचा दिए। ठीक है, तो बेहतरीन नोट्स के लिए भी आपको आपका स्वागत है, और कल हम प्रैक्टिस करेंगे, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइव आकर जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।